नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू का ऐलान, ऑडिट में देरी पर एक्ट बनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए के ऋण दिए गए, 35% एनपीए था जो अब 7% कम हुआ। पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती के बारे में विभाग से खाली पदों की संख्या मंगवाई जाएगी, जबकि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति अच्छी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नियम 130 के तहत सदन में चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों का लोकल रिपोर्ट विभाग ऑडिट करता है, इसकी रिपोर्ट 9 महीने में लोक लेखा समिति के पास आनी अनिवार्य है। रिपोर्ट वित्त विभाग के पास आती है और फिर विधानसभा सचिवालय में आती है, लेकिन इस प्रक्रिया में 4 से 5 साल की देरी हो रही है। ऊना रेलवे स्टेशन पर अब मिलेंगी 12 घंटे बुकिंग सेवाएं। अब रेलवे स्टेशन ऊना में रेलगाड़ियों की बुकिंग के लिए समय सीमा बढ़ गई है। 5 सितंबर को सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बुकिंग काउंटर की सेवाएं जारी रहेंगी। पहले सुबह 10 से 4 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध थी। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। ऊना के साथ साथ जिन अन्य रेलवे स्टेशन पर बुकिंग की ये सेवा बढ़ाई गई, उनमें नंगल व रोपड़ रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इससे पहले दौलतपुर और अम्ब में ये सुविधा रेलवे ने उपलब्ध करवाई थी। इस कंपनी ने शुरू की सेब की खरीद, इतने रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा LMS एप्पल। मंडियों के बाद वजन के हिसाब से सेब खरीदने वाली निजी कंपनीज ने भी खरीद शुरू कर दी। सबसे पहले हिम फ्रेश प्रोड्यूस कंपनी ने रेट लिस्ट जारी की। कोटखाई के गुम्मा में स्थित खरीद केंद्र में बुधवार से कंपनी ने सेब खरीदना शुरू कर दिया है। कंपनी ने लार्ज मीडियम स्मॉल आकार के सेब का दाम 80 रुपए, एक्स्ट्रा स्मॉल 70 रुपए, 240 नंबर 85 रुपए और 6 लेयर का 46 रुपए प्रति किलो रखा है। हालांकि बागवान दामों से संतुष्ट नहीं है, फल मंडियों में सेब के इससे ज्यादा दाम मिल रहे हैं। हिमाचल सरकार ने बदला बड़सर पेयजल योजना का स्रोत, लागत में आई 70 करोड़ की कमी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 126.19 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का स्रोत बदल दिया है। बड़सर क्षेत्र की जनता को पहले ब्यास नदी से पेयजल योजना प्रस्तावित थी, लेकिन सुक्खू सरकार ने इस योजना का स्रोत बदलकर सतलुज नदी से कर दिया। यही नहीं, इस योजना के स्रोत के लिए किया गया टेंडर भी सरकार ने रद्द कर दिया है। योजना का स्रोत बदलने से इस पेयजल योजना की लागत में 70 करोड़ रुपए की कमी आई है। वन मित्रों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने 10 अंकों के साक्षात्कार को किया खारिज। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने साक्षात्कार के प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का निर्णय बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के ले लिया, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2017 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार न लेने का नीतिगत फैसला लिया था। आसमान से निहार सकेंगे बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा, 430 करोड़ से बनेगा रोपवे। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे में बर्फ का दीदार सैलानी अब रोपवे से कर सकेंगे। मनाली के पलचान से बन रहे रोपवे का निर्माण शुरू हो गया है। 2027 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इस पर 430 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 3 चरणों में बनने वाला ये रोपवे देश का सबसे ऊंची जगह पर बनने वाला लंबा रोपवे होगा। रोपवे कोटी से रोहतांग दर्रे तक बनेगा। इसकी लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। इसके बनने से पर्यटक 20 मिनट में रोहतांग पहुंचकर हसीन वादियों का दीदार कर सकेंगे। 2 साल से सत्ता में है सुक्खू, वर्तमान हालात के जिम्मेदार भी वही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लगभग 2 साल से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार चला रही है, लेकिन अपनी हर नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा की सरकार पर फोड़ते हैं। आज की वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार सुखविंदर सिंह सुक्खू की वित्तीय नीतियां हैं, जो प्रदेश के विकास और जनहितोन्मुखी न होकर मित्र हितोन्मुखी हैं।
भाजपा ने 5 साल सरकार चलाई, उस दौरान कोरोना जैसी महामारी को पूरी दुनिया ने झेला। सारी आर्थिक गतिविधियां बंद रही, लगभग 2 साल चले इस दौर में भी एक भी कर्मचारी का एक बार भी वेतन देने में देरी नहीं हुई। आउटसोर्स से लेकर पैरा वर्कर, रेगुलर और कंट्रेक्चुअल कर्मचारी हो या कोई और, किसी के वेतन से एक पैसे की कटौती नहीं की गई। कोचिंग संस्थानों में अब लागू होंगे नए नियम। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चल रहे कोचिंग संस्थानों में अब नए नियम लागू होंगे। कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल की कम उम्र के छात्र छात्राओं का पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई भी संस्थान ग्रेजुएट लेवल से कम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि भ्रामक वादे नहीं कर पाएंगे व रैंक या अच्छे नंबर की गारंटी भी नहीं दे सकते। मंत्रालय ने ये फैसला छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को लेकर किया। दरअसल कई बार इस बात की शिकायत की गई थी कि कोचिंग सेंटर्स में आग की घटनाओं पर काबू पाने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। मणिमहेश यात्रा में शुल्क वसूली पर भरमौर के विधायक ने जताई आपत्ति, सरकार से सुविधाएं बेहतर करने की मांग। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान आ रहे श्रद्धालुओं से पंजीकरण के नाम पर 20 रुपए शुल्क वसूलने पर भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और हर वर्ष लाखों की संख्या में शिव भक्त मणिमहेश पहुंचकर पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हिमाचल के 27 शिक्षकों को मिलेगा स्टेट टीचर अवार्ड। हिमाचल सरकार ने टीचर डे यानी 5 सितंबर को सम्मानित होने वाले अध्यापकों के नाम फाइनल कर दिए। इस बार 27 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने सम्मानित होने वाले अध्यापकों की सूची को जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड के लिए पहली बार अध्यापकों के इंटरव्यू लिए। इसके अलावा सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन भी दी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से हलवाई कारीगरों के होंगे साक्षात्कार, जानिए वैकेंसी और सैलरी। हलवाई कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार का सुनहरा मौका है। जिला श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से पहली बार हलवाई कारीगरों के लिए साक्षात्कार करवाए जा रहे हैं। विभाग हरिओम ओम फूड प्रोडक्ट संस्थान के लिए हलवाई कारीगरों का चयन करेगा। हलवाई कारीगरों के 7 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होनी है। योग्यता 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास तय की गई। आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित पात्रों को करीब 14,000 रुपए का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। एसपीयू ने जारी किया शेड्यूल, जानिए कब होगा बीएड काउंसलिंग का 4था राउंड। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में बीएड कोर्स के लिए 4थे चरण की काउंसलिंग 6 और 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 570 सीटों के लिए काउंसलिंग के 4थे राउंड का शेड्यूल विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया। आर्ट और कॉमर्स की 210 सीटों के लिए 6 सितंबर को काउंसलिंग होगी। इसमें एससी की 20, एसटी की 31, ओबीसी की 29, सामान्य की 106, ईडब्ल्यूएस की 24 सीटें शामिल हैं। छतरी से नाबालिग का अपहरण कर नंगवाई में किया गया दुष्कर्म, आरोपी हुआ फरार। पुलिस थाना जंजैली में नाबालिग को भगाने और उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। नाबालिग के पिता ने जंजैली थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि 14 अगस्त को उसकी 17 वर्षीय बेटी किसी काम से बाजार गई थी, जहां से उप तहसील छतरी निवासी सुनील कुमार उसे जबरदस्ती कार में भगा कर नंगवाई ले गया। कार में उस समय 4 अन्य लोग सवार थे, जिनमें एक युवक का नाम योगराज है। नगवाई पहुंचकर सुनील कुमार ने उसे योगराज के हवाले किया। योगराज ने बेटी को बताया कि अब हम पति पत्नी हैं, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि योगराज ने उसकी बेटी का फोन भी छीन लिया। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, पुलघराट में टेम्पो से पकड़ी शराब की खेप। आबकारी विभाग की टीम ने मंडी शहर पुलघराट में नाके के दौरान टेम्पो से 87 पेटियां बरामद की। पकड़ी गई शराब में देसी शराब की 70 पेटियां, अंग्रेजी शराब 14 पेटियां और बियर की 3 पेटियां शामिल हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।